You're right, mom. Life में fun करना, chill करना भी बहुत जरूरी है. But I have one last phone call to make. Excuse me. Alia, right? I'll see you soon. रुक रुक रुक। क्या हो गया तुझे यार? हाँ? इतना चेंज क्यों हो गया तू? याद है तुझे बचपन में हम कितनी मस्ती किया करते थे? हेलो शेखर सर. हेलो. बचपन है, बच्चा है कोई? काम करने की उम्र है, मौज मस्ती की जा चुकी है, समझा? जा. हाँ हाँ पता है मुझे, तेरी सारी प्रायोरिटी चेंज हो गई है ना. बिजनेसमैन ऑफ द ईयर जो बन गया तू, अब तो फैमिली मैटर ही नहीं करती, सिर्फ पैसा मैटर करता है तेरे लिए. जो समझना समझ ले, वैसे भी सबकी अपनी अपनी सोच है. पर उसकी सोच तुझसे बेटर है. तेरी बैंकर की? वो मेरी बैंकर नहीं है. हाँ हाँ पता है मुझे, आई नो. नहीं तो नशे की हालत में तो उसका इंटरव्यू थोड़ा खराब कर देता. तू पागल है? उसने जो मेरे साथ किया है ना, उसके आगे कुछ भी नहीं है. और तू कौन है? तुझे और उस बैंकर को कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है मुझे. इसके आगे भी जो करना होगा ना करूंगा, उसके जितने इंटरव्यू खराब करने होंगे करूंगा. तू कौन है ब्रो? जो तेरा गुस्सा है ना, तू छोड़ ना. क्या मिलेगा तुझे उससे परेशान करके? जाने देना, छोड़. अमृता को जो सुनाना था मैंने सुना दिया, अब विराट कुछ ऐसा ना बोल दे जिससे मेरा प्लान खराब हो जाए. अब कुछ भी पहले जैसा नहीं. हाँ नहीं है तो नहीं हो सकता, पर तुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. मैं तुझे पहले भी बोल चुका हूं कि मेरे और मेरी बैंकर के बीच मेरी एक्स बैंकर के बीच में मत आ. उसके साथ कैसे डील करना मैं देख लूंगा, तू दूर रह. प्लीज लीव मी अलोन. बीच में मैं नहीं, तेरी बैंकर है स्वीट लिटिल ब्रो. तेरी हर बात उसी से शुरू होती है और उसी पे खत्म. सेंटर है वो तेरी लाइफ, और वही तेरी बर्बादी में भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेगी ब्रो. लेकिन उसके लिए ना उसका यहाँ आना बहुत जरूरी है, और वो जरूर आएगी. इतना गलत किया हमारे साथ, उसका जरा सा भी पछतावा नहीं है. इसके आगे भी जो करना होगा ना करूंगा, उसके जितने इंटरव्यू खराब करने होंगे करूंगा. तू कौन है? मैं अपने परिवार के साथ कुछ और बुरा होने का इंतजार नहीं कर सकती. विराट सर को सबक सिखाना ही पड़ेगा.